नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव प्रजापत आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉम्पिटिटिव क्लास पर। प्यार दोस्तों, आज से मैं टॉपिक वाइज अपनी वीडियो भी गिर रहा हूं और मैंने सबसे पहला चैप्टर लिया है परसेंटेज। उससे पहले भी मैंने 3-4 लेक्चर दिए हैं, चैप्टर दिए हैं, पर अभी मैं परसेंटेज से शुरू करना चाहता हूँ। प्यार दोस्तों, परसेंटेज ही अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर है, आप किसी भी चैप्टर में लगा सकते हैं। एक तरीके से अर्थमेटिक की जान है परसेंटेज। कोई सा भी चैप्टर ले लो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, बोटन स्ट्रीम, पार्टनरशिप, कोई सा भी चैप्टर हो, परसेंटेज आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। एक तो परसेंटेज हो गया और एक हो गया आपका रेशो, काफी इंपॉर्टेंट है, पूरी मैथ फॉलो करते हैं। दोनों का सेम ही मतलब होता है, कंपेरिजन। रेशो में हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, पर परसेंटेज में भी हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, पर परसेंटेज में जो हम कंपैरिजन करते हैं वो हम 100 पे करते हैं। आप सभी परसेंटेज का मतलब जानते हैं कि किसी भी वैल्यू का 100 पे मान निकाल देना ही क्या कहलाता है भाई, परसेंटेज कहलाता है। आप किसी भी वैल्यू का 100 पे मान निकाल दो, वो परसेंटेज कहलाता है। जैसे कि प्रति सत्ता, हिंदी में बोलते हैं प्रति मतलब एक, सत्ता मतलब 100, 1/100। अगर मैं इस इंग्लिश वाले वर्ड की बात करूं परसेंटेज, तो परसेंटेज में इस प्री का मतलब है एक और सेंटेज मतलब सेंचुरी मतलब 100, पटे में 100। यानी कि परसेंटेज का मतलब है 1/100 की किसी वैल्यू का 100 पे मान निकाल देना। परसेंटेज का मतलब क्या है भाई, 1/100। यानी कि आप किसी भी वैल्यू को अगर आप 100 पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो अपने आप में परसेंटेज बन जाएगी। दोस्तों, मैं आपको इस बात को एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे कि मैंने माना भाई, एक तो है व्यक्ति ए और एक है बी, और एज कमाता है 50 रुपये और खर्च कर देता है 40 रुपये, और बी कमाता है 200 रुपये और खर्च कर देता है 80 रुपये। और मैं आपसे पूछना चाहूं कि भाई खर्चीला कौन है, तो आप कहेंगे भैया दो तरीके से हम बता सकते हैं कि खर्चीला कौन है भाई। एक तरीका तो यह है कि इन दोनों की जो ये वैल्यू है, जो ये दोनों भाई कमा रहे हैं, उनको सेम बना लें, इन दोनों को हम 200-200 बना लें तो भी काम चल जाएगा। पर अगर मैं परसेंटेज के उस पर बात करूं कि अगर मैं इन दोनों को 100 पे ले आऊं, जैसे कि ये 50 रुपये कमाता है तो 40 रुपये उड़ा देता है, तो आप मुझे बताना ये 100 रुपये पे कितने उड़ाएगा, 80 रुपये उड़ाएगा भी। अगर 50 पे 40 उड़ा रहा है तो 100 पे 80 उड़ाएगा। ऐसे ही 200 रुपये कमाता है और 80 रुपये उड़ा देता है, तो ये 100 पे कितने उड़ाएगा, 40 रुपये उड़ाएगा। आप खुद देखो, आप इसको 100 पे ले आए हो तो इसने 80 उड़ाए, इसको भी आप 100 पे लेकर आए तो इसने 40 उड़ाए। आपको खुद दिखाई दे रहा होगा कि 100 कमा के 80 उड़ा देता है, 100 कमा के 40 उड़ा देता है, यानी कि खर्चीला तो है भाई हमारा ए। प्यारे दोस्तों, 100 पे निकाल देने का मतलब ही परसेंटेज होता है। आपने 100 पे निकाल देने की 80 रुपये उड़ा रहा है, इसका मतलब 80% खर्च कर रहा है। ये 100 पे 40 उड़ा रहा है, इसका मतलब 40% खर्च कर रहा है। आपको अब समझ में आ रही होगी बात है कि परसेंटेज 100 पे निकालने से ही बन जाता है वो परसेंटेज। अब दोस्तों, बात करते हैं कि किस तरीके से हम परसेंटेज का यूज करते हैं, किस तरीके से सवाल करते हैं। हम परसेंटेज के सारे सवाल फ्रैक्शन वैल्यू से कर सकते हैं। ऐसा कोई सा भी सवाल नहीं होगा मेरी उससे परसेंटेज या परसेंटेज जहाँ पर भी लगता है जो फ्रैक्शन से ना हो जाए। फ्रैक्शन इज नथिंग, कंपेरिजन है ओनली, बस एक फ्रैक्शन लिख देना। उन्हीं बातों को मैं आपके सामने बताऊंगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। उससे पहले मैं आपको एक सवाल समझाता हूँ और मैं बताना चाहता हूँ कि वो फ्रैक्शन का यूज क्यों हमें करना पड़ा, उन फ्रैक्शन को हम क्यों लेकर आए, उन फ्रैक्शन से हम सवाल क्यों करते हैं। उससे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं टाइप नंबर एक से। तो आप टाइटल लगाइए टाइप नंबर एक का। इसके अंदर जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैं हर एक को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप बिल्कुल बेहिचक रहिए, मैं एक एक सवाल को आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। बिल्कुल सीजीएल का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा परसेंटेज, जितना मैं दे सकता हूं। आप डोंट वरी, प्लीज शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बाकी जिम्मेदारी मेरी है, मैं गारंटेड बोल रहा हूं 100% दूंगा। बात करते हैं फ्रैक्शन वाली बात की, मैंने आपसे बोली, तो अभी हम टाइप नंबर एक की बात करते हैं कि ये टाइप नंबर एक क्या है अभी। अभी फ्रैक्शन का यूज क्यों पड़ा, क्यों हम फ्रैक्शन से ही क्वेश्चन करते हैं,
पहले हम टाइप नंबर एक का थोड़ा छोटा सा एक सवाल देखते हैं, फिर हमें समझ में आएगा अच्छा फ्रैक्शन होता तो कितना जल्दी हो जाता सवाल। टाइप नंबर एक है x परसेंट ऑफ y, y का x प्रतिशत। दोस्तों जब भी इस फॉर्मेट में सवाल आता है, ये क्वेश्चन पेपर की नहीं है जो मैं आपको करवा रहा हूं, पर मैंने बोला ना बिल्कुल बेसिक से होगा तो बेसिक से होगा भाई। मैंने कहा y का x परसेंट क्या होगा, तो आप बोलेंगे भैया y का मतलब तो हमें पता है भैया गुना होता है, और x परसेंट परसेंट का मतलब था भैया बटे में सो। यानी कि जब भी कभी इस फॉर्मेट में सवाल होगा कि y का x परसेंट कितना होता है, तो y गुना में x बटा सो। एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिखा 240 का 25% क्या होगा। अब 240 का मुझे 25% निकालना है, तो 240 गुना में 25 और परसेंटेज का मतलब बटे में 100, बिल्कुल इसी फॉर्मेट में मैंने लिख दिया। यहां पर मैंने देखा 225 चौका 100, 4 से 60 बार गया और आंसर आ गया मेरा 60। बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आंसर मेरा 60 आ गया है। पर दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे 25% की जो ये वैल्यू है, मुझे 25% का मतलब बताइए, तो आप बोलेंगे भैया 25% का मतलब होता है 25 और परसेंटेज का मतलब बटे में 100। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, यानी कि 25% की वैल्यू निकल कर आई है 1/4। अगर मुझे 25% की वैल्यू 1/4 पता होती और मैं 240 का सीधा सीधा 1/4 निकाल लेता, तो आंसर आता मेरा 60। आता नहीं आता? यानी कि अगर हमें परसेंटेज वैल्यू याद रहा रहेंगी हर एक परसेंटेज वैल्यू की, तो ये सवाल काफी आसान हो जाएंगे। मुझे इस फॉर्मेट में नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार बटे में सो नहीं लगाना पड़ेगा, और सवाल में जल्दी कर पाऊंगा। इसलिए परसेंटेज के अंदर फ्रैक्शन वैल्यू की जरूरत पड़ी। तो आइए दोस्तों पहले इन फ्रैक्शन वैल्यू को सीखते हैं कि फ्रैक्शन वैल्यू निकालते कैसे हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, फ्रैक्शन को परसेंटेज कैसे बनाते हैं, और जो ये हमारे सामने क्वेश्चन होते हैं, ये इतने हार्ड हार्ड क्वेश्चन होते हैं, हम इनको कैसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, फिर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज बनाना सीखेंगे, और जो ये आज का वीडियो है ये सिर्फ इसी पर डिपेंड है कि हमें फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करें, फ्रैक्शन को कैसे समझें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों अगर आपके सामने परसेंटेज में कोई वैल्यू दी हुई है, और चेंज करनी हो वो फ्रैक्शन के अंदर, यानी के प्रतिशत में अगर कोई वैल्यू है और चेंज करनी हो भिन्न में, तो दोस्तों हमेशा 100 से डिवाइड करते हैं। अब 100 से डिवाइड करने का मतलब ये है, क्योंकि परसेंटेज का मतलब बटे में 100 होता है, इसलिए हम बटे में 100 लगा देते हैं। जैसे कि मैं आपसे बोल लूं भाई 20% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 20 और परसेंट का मतलब बटे में 100, यानी के 1/5, 20 × 100, यानी कि 20% की वैल्यू 1/5 है। ऐसे मैं आपसे पूछना चाहूँ भाई 40% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 40 बटे में कितना भाई 100, 20 × 40, 20 × 100, 2/5 हो गए। ऐसे ही मैं आपसे पूछना चाहूँ 16 से ही 2/3% की वैल्यू क्या होगी, तो पहले है ना इसको थोड़ा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, अभी है ना स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। 16 × 3 = 48 × 2 = 50/3, ये परसेंटेज वैल्यू है, और 50/3 और परसेंट का मतलब बटे में 100। या ये बोलो कि भाई जब भी हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन बनाते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, 50 × 100 1/6। तो दोस्तों इस तरीके से हम परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन बनाते हैं। आपने समझा ये तरीका, और आप और भी वैल्यू को आप बना सकते हैं, पर मैं मानता हूं कि जब तक ये वैल्यू हमें याद नहीं होंगी तो हम सवालों को काफी आसानी से नहीं कर सकते, तो वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी। और टेंशन नहीं लेना कि याद कैसे होंगे, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। जैसे ही आप इस पे वर्क करना चालू करेंगे ना, ऑटोमेटिकली निकल कर आएगा, अरे अच्छा 25% 1/4, 20% 1/5, 16 से 2/3% 1/5, 1/6।
ओके दोस्तों, अभी हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन बनाया, अब फ्रैक्शन को हम परसेंटेज बनाते हैं। जब भी फ्रैक्शन वाली वैल्यू को, जिसे कि हम भिन्न बोलते हैं, परसेंटेज में चेंज करना होता है, तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। जब भी फ्रैक्शन की वैल्यू को परसेंटेज में बनाना होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 1/4, 1/4 एक फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर मुझे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करूँगा मैं 100 से और हो जाएगा ये 25%। 4 से कितनी बार कट गया, 25 टाइम्स। ऐसे ही मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा था आपके सामने 40% का, 2/5। अगर मैं इसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में बनाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 100, 5 × 10, 20 × 40%। अभी हमने एक और निकाला था 16 × 2/3, जिसकी वैल्यू आई थी 1/6। अगर इस 1/6 फ्रैक्शन को मैं परसेंटेज में बनाऊंगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा और 2 × 50 आएगा, फिर बटे में 3 आएगा 2 से, मतलब कि 16 × 2/3%। चलो दोस्तों, हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाया, फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाया, पर पेपर के अंदर हमें वैल्यू याद होनी बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज़ लिखता हूँ परसेंटेज के अंदर, जो काफ़ी यूज़फुल है, जो काफ़ी यूज़ में ली जाती है, जिनसे अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, और फिर हमें उनकी हैबिट बनानी और फिर इन सवालों को सोल्व करना। अभी टाइप नंबर 1 मैंने नहीं करवाया पूरा का पूरा, अभी एक सवाल बताया, अभी 3-4 सवाल और जानेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी पहले हम कुछ वैल्यू को डिस्कस करते हैं कि कुछ वैल्यूज हैं जो परसेंटेज की काफी इंपॉर्टेंट हैं, वो हमारे याद होनी चाहिए। आइए दोस्तों, जैसे कि दोस्तों मैंने लिख दिया आपके सामने 100%, कि भाई 100% का जो मान होगा वो पूरा पूरा 1 होगा। 100% अपने आप में 1 होता है। अब निकाल कैसे दिया भाई 100% की वैल्यू, अब बार बार थोड़ी ना लिख के बताऊंगा, बस माइंड में लेकर आओ। अच्छा 100% और फ्रैक्शन में बनानी है तो बटे में 100 लगाऊंगा, 100 के बटे में 100 आएगा तो 1 आएगा। ऐसी भैया 50% की वैल्यू क्या होगी, फिर 1/2 होगी। ऐसी फिर ये 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होगी, 1/3 होगी। ऐसे ये 25% की वैल्यू क्या होगी, 1/4 होगी। ऐसे ही आपका 20% की वैल्यू क्या होगी, 1/5 होगी। अभी पढ़ा था 16 × 2/3% की वैल्यू 1/6 है। 14 × 2/7% की वैल्यू 1/7 है। 12 × 1/2% की वैल्यू 1/8 है। 11 × 1/9% की वैल्यू 1/9 है। दोस्तों बता रहा हूँ ना, सारा याद नहीं करना है, अरे ऐसे तो बहुत सारी वैल्यूज है, कहाँ तक आप याद करेंगे। मैं लिखता हूँ ना, अभी कुछ वैल्यू याद करनी है फिर बाकी सारी अपने आप याद हो जाएंगी। आपके सामने 10% की वैल्यू हो जाएगी 1/10। चमक रहा है ना, अभी नीचे वाली वैल्यू चमक रही है ना, ये वाली वैल्यू 10% की वैल्यू 1/10 है। ओके, फिर मैंने आपके लिखा 9 × 1/11% की वैल्यू 1/10 है, सॉरी 1/11 है। अब मुझे दोस्तों निकालनी है 1/12 किसकी होगी, और मान लो आप मेरे को याद नहीं आ रही भाई 1/12 किसकी होगी, तो अभी देखो आपने है ना 1/12 की निकालनी है। अब मान लो आपके याद ही नहीं है 1/11 की, ये तो चलो छोटी छोटी आसान आसान वैल्यू, आप माइंड में बिल्कुल भूल गए 1/12 किसकी वैल्यू थी परसेंटेज। तो माइंड में तुरंत फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज बदलते हैं तो गुना 100 करते हैं, इसमें गुना 100 करो माइंड में, अगर आप गुना 100 करेंगे तो ऊपर 25 नीचे 3 बन जाएगा और आपकी वैल्यू आएगी 8 × 1/3% की वैल्यू कितनी होगी भाई, 1/12 होगी। समझ रहे हैं ना दोस्तों। अब मान लो मुझसे पूछा जाए भाई 1/13 किसकी परसेंटेज वैल्यू है, अब मेरे याद नहीं भैया 1/13 किसकी है, तो भाई साहब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको 1/13 निकालनी तो माइंड में तुरंत के तुरंत मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100, 13 × 7 = 91 बचा 9/13 परसेंटेज वैल्यू किसकी होगी भाई 1/13 की। मान लो मेरे से बोली जाए भाई 1/14 की वैल्यू क्या होगी, मेरे बस की नहीं है भैया याद करनी इतनी सारी वैल्यू। अब 1/14 तो माइंड में तुरंत मल्टीप्लाई बाई 100, 50/7, यानी कि 7 × 1/7% की वैल्यू जानते हो कितनी होगी, 1/14 होगी। अब बोले भैया 1/15 की वैल्यू क्या होगी,
अब 1/15 फिर मेरे याद नहीं आ रहा, तो भैया गुना बाई 100 कर दो। तो अब अगर आप जैसे ही 1/15 में गुना 100 करेंगे तो 20/3 आ जाएगा, यानी कि 6 से ही 2/3%। ऐसे दोस्तों बहुत सारी वैल्यू लिख सकता हूँ, 20 तक लिखवा लो, 30 तक लिखवा लो, 50 तक लिखवा लो। याद कौन सी करनी है, क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्या बनता है। अभी एक तो कुछ ये वैल्यू लिखी 1/20 तक, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछता है बिल्कुल नहीं, फिर भी आपको याद होनी चाहिए, मैंने तरीका बता दिया निकालने का। मान लो आपसे पूछे भाई 1/17 की वैल्यू क्या होगी, अब मेरे याद नहीं है अभी, मान लो 1/17 की, तो गुना 100 कर दो माइंड के अंदर, 1/17 × 100 यानी कि 17×5 = 85 / 15/17 इसकी परसेंटेज वैल्यू 1/17 होगी। समझे ना माइंड में मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, क्या मैं अप्रोच देना चाहता हूँ। रटना नहीं है कि मैं मान लो यहाँ पे 1/20 तक वैल्यू लिख दूँ और आप रट के बैठ जाओ, कंसेप्ट को समझना है कि हुआ कैसे, आया कैसे। अब दोस्तों इनमें से ना कुछ एक वैल्यू ऐसी होती है जो इनके अंदर से निकल कर आती है, जैसे कि मैं आपको 2-3 वैल्यू के बारे में बताता हूँ, मैं उनको यहीं पर रोकता हूँ और बाकी सबको मैं मिटा देता हूँ। जैसे कि इनको हटाओ एक बार आप, है ना, इन वैल्यूज़ को हटाओ एक बार, आइए इसको भी हटा दो, इन सबको हटा दो एक बार आप, इसको भी हटा दो, इसको भी हटाओ। चलो दोबारा से लिखता हूँ, जैसे कि अभी हमने लिखा था 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी है भाई, तो आपने बोला भैया 1/3 है। तो दोस्तों अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 66 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होगी, तो आपने देखना है, अच्छा यार ये तो 33 का 2 times है, 1 का 2x हो गया है। अगर ये 33 का 2 times मैंने लिखा तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी क्या होगी भाई, दुगनी होगी। तो 33 से 1/3 की कितनी थी भाई, 1/3, तो इसकी कितनी हो जाएगी भाई, 2/3। जैसे कि मैंने लिखा अभी 14 सही 2/7% की वैल्यू 1/7 थी, और आपसे मैं पूछना चाहूँ कि 42 सही 6/7% की वैल्यू क्या होगी। अब मान लो आपके माइंड में नहीं आ रहा भाई क्या होगी, तो आपने देखना है बेस वैल्यू क्या थी। तो 14 का कितना times है भाई, 3 times है, और 2 का भी कितना times है, 3 times है, 14 + 42 = 6, यानी कि पूरा का पूरा इसका 3 times है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 3 times होगी, तो 3/7 हो जाएगी। ऐसे ही मैंने आपसे बोला भी 11 सही 1/9% की वैल्यू है, 1/9, और मैं आपसे पूछना चाहूँ कि 44 सही 4/9% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे भाई 44 सही 4/9% की वैल्यू। आप खुद माइंड में देखो, अच्छा 20 वैल्यू 9 है भाई, 9 पहले किस में आता था, 11 से 1/9 में आता था 9, तो ये 11 का कितना times है भाई, 4 times है, 1 का कितना times है, 4 times, वैल्यू भी कितनी हो जाएगी भाई, 4/9 हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ एक वैल्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अक्सर पेपर में आ जाती है, जैसे कि 37 सही 1/2% की वैल्यू पूछता है हमेशा, 3/8 होती है, है ना भाई, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है काफ़ी, 37 से 1/2% की वैल्यू। और मैं मानता हूँ कि आप जितनी भी फ्रैक्शन वैल्यू होती है आप सारे निकाल सकते हैं, 71 सही 3/7 की 5/7% हो जाती है, और मतलब कि कैसा भी फ्रैक्शन में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। अभी हम फ्रैक्शन को 2-3 सवाल और देखते हैं, क्योंकि जो लेक्चर होंगे वो 20 या 25 मिनट से फालतू के नहीं होंगे, छोटे छोटे लेक्चर होंगे ताकि लोगों को देखने में भी मजा आए। अभी आपने फ्रैक्शन को चेंज करना सीखा, अभी मैं टाइप नंबर 1 के क्वेश्चन बाद में सोल्व करवाऊंगा, पहले थोड़ा इन फ्रैक्शन पे ही वर्क करते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपका फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट एक बार मजबूत हो गया तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भैया 4/3 की मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, कि 4/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, 4/3 की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। अब भैया जी आपने कहा भैया 4/3 को परसेंटेज बनाना है, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितना हो गया भाई ये 400/3। अब इसको मैं भाग करता हूँ, 133 सही 1/3%। एक तरीका तो ये हो गया भाई, 4/3% को आपने फ्रैक्शन को आपने परसेंटेज में बदला, पर आप है ना थोड़ा और भी जल्दी कर सकते हैं इस काम को। जैसे कि मैंने आपसे पूछा था भाई 4/3 की वैल्यू क्या होगी, आप ये चेक करिए कि इसका बेस क्या है, इसका बेस है 3, तो क्या मैं इसको ये लिख दूं 4×1/3 भाई, 4/3 की तो मेरे याद नहीं थी, ऐसे करके निकालनी पड़ेगी, इतना टाइम थोड़ी ना है। अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ भाई 4/3 में इसका बेस क्या है 1/3, आप मुझे बताओ 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको याद है ना,
भाई एक से लेके 20 तक तो याद करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपने मुझे बोला भाई 4/3 के अंदर 1/3 है बेस, और 1/3 की वैल्यू क्या होती है भाई, 33 से ही 1/3 होती है, तो इसमें 4 गुना कर दो इसका 4 टाइम्स आ, तो 4 3 12, 4 3 12 और 1 13 गुना में 4 की इसमें भी होगी भाई 4/3। पर प्यारे दोस्तों क्या कभी ऐसा हुआ है कि ऊपर वाली जो ये वैल्यू होती है न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर से बड़ा हो, छोटा ही होता है ना हमेशा। तो अभी एक बार भाग उड़ जाएगा, 3 * 3 यानी कि एक बार और निकल कर आएगा। सो 132 में से मैं एक और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 133 सही 1/3। समझ रहे हैं ना दोस्तों मैं कहना क्या चाहता हूँ। जैसे कि मैं 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने और रखता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस फ्रैक्शन पे ही वर्क करना है। अभी जैसे कि मैं आपसे पूछना चाहूँ, मान लो आपको नहीं पता अभी कुछ भी नहीं पता लग पा रहा कैसे क्या करना है, मैंने आपसे पूछा अभी 2/9 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए, तो एक तरीका तो वही हो गया इसके अंदर 100 की मल्टीप्लाई करिए और वैल्यू निकाल लीजिए। पर नहीं, अगर आपके पास 1 से लेके 20 तक की जो परसेंटेज वैल्यूज है वो याद है तो ये करने के आसान काफी काफी ये सवाल काफी आसान होते हैं। इसका बताना बेस वैल्यू क्या अभी 1/9 है, और ये 1/9 है ना वो दुगने बार लिखा हुआ है, 2 times लिखा हुआ है, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 * 1/9। अब आप मुझे खुद बताओ 1/9 की परसेंटेज वैल्यू क्या होती है अभी, 11 से ही 1/9, 2 * 11 से ही 1/9, और उसका तो दुगना बोल रहा है तो कितना हो जाएगा अभी 22 से ही 2/9 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। मतलब कि आपने जब भी किसी फ्रैक्शन को बड़ी बड़ी फ्रैक्शन दे दे उसको चेंज करने के लिए बोले तो ऐसे किया करिए, काफी मजेदार तरीके होते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने एक सवाल और देखता हूँ लिखता हूँ आपने, जैसे कि मुझसे बोला जाए भाई 8/9 बताइए कि इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी। अब एक तो वही तरीका होगा कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई बाई 100 कर लीजिए और निकाल लेंगे फटाफट, नहीं इतना नहीं करना भाई, ये तो मैं लिख के बता रहा हूँ वैसे तो बहुत फास्ट हो जाएगा। आप बताइए 8/9 में बेस क्या है 1/9 है, और 1/9 किसकी वैल्यू 11 से ही 1/9 की है, और उसका कितना गुना है 8 गुना है, तो 11 8 88 से ही 8/9 हो जाएगी वैल्यू। फटाफट लिख दूंगा मैं, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ आप मुझे सही से बताइए। ओके दोस्तों एक वैल्यू, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, 2-3 सवाल और देखते हैं अभी इन पे। अभी मैं जो कल की एक और वीडियो बनेगी फ्रैक्शन पे उस पे अच्छे अच्छे सवाल दूंगा मैं आपको। मैंने कहा भाई आपसे 10/9 की फ्रैक्शन वैल्यू बताइए क्या होगी परसेंटेज वैल्यू। अभी मैं 9 पे इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको हैबिट बने, फिर आप किसी भी चीज़ पे निकाल सकते हैं, मैं कल खुद एग्जांपल लूंगा। अब 10/9 को निकालने के 1000 तरीके। पहला तरीका मल्टीप्लाई बाई 100 निकल जाएगा, अभी आप निकाल लेंगे बड़े आराम से। दूसरा तरीका देखो, अभी मैंने कहा ना बेस वैल्यू चेक किया करो, 9/10 है, 9/10 होता था 11 से ही 1/9 वाली में, 11 से ही 1/9 की वैल्यू 1/9 होती थी और उसका तो ये 10 गुना है, तो अगर मैं 11 से ही 1/9 में 10 गुना करूंगा तो कितना आएगा अभी 110 से ही 10/9। इस 10 के ऊपर भी मल्टीप्लाई होती है। अब आप खुद देखो इसके जो इसका हर है वो अंत से बड़ा है, पर हर तो हमेशा छोटा होता है भाई, तो 9 * 1 = 1 और निकल कर जाएगा तो कितना जाएगा 111 से 1/9, ये इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। एक तरीका दोस्तों ये हो गया करने का। एक तरीका क्या है कि आप 10/9 को क्या लिखते हैं 1 + 1/9 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। देखो 9 * 1 = 1 10/9 आ गया, बताइए 1 किसकी वैल्यू थी पूरा 100% की, प्लस में 1/9 किसकी वैल्यू थी 11 से ही 1/9% की, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 100 में 11 जुड़ जाएगा कितना हो जाएगा 111 से 1/9%। करने के बहुत सारे तरीके हैं, आप कोई से भी मेथड को लगाइए दोस्तों। ये एक तरीके से डेमो था परसेंटेज का। अभी टाइप नंबर 1 हम बहुत दिनों के बाद शुरू करेंगे, 3-4 लेक्चर के बाद टाइप नंबर 1 पे हम चालू करेंगे, क्योंकि अभी हमें है ना वर्क इस फ्रैक्शन वैल्यू पे करना है। अगर एक बार हमारे पास फ्रैक्शन वैल्यू हमारी स्ट्रोंग हो गई तो फिर हम इन सारे सवालों को परसेंटेज कंपाउंड इंटरेस्ट CI जितने भी चैप्टर बनते हैं परसेंटेज बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते काफी आसान हो जाएंगे। एक ये डेमो था, मैं कल और भी एक लेक्चर तैयार करूंगा इस फ्रैक्शन वैल्यू पे, 3-4 लेक्चर होंगे फ्रैक्शन पे, उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों गुड बाय, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे अच्छा लगे, मैं काफ़ी ज़्यादा वीडियो बना सकूँ, मैं मेहनत कर सकूँ आपके लिए।
ओके दोस्तों, जय हिंद।